क्या आप बारहवीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न 26 है, 6 अंक का सवाल है, कक्षा बारहवीं गणित। लिखा है पाई बाई टू जीरो लॉग साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले आप इसको समाकलन का है तो आई के बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन, I बराबर ये हो जाएगा, ये पाई बाई टू से जीरो है लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसको आप मान लेंगे समीकरण एक। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर I बराबर लिखना है ये पाई बाई टू जीरो लॉग, साइन को साइन ही लिखना है, याद रखिए जो x है x के बदले आपको लिखना है पाई बाई टू माइनस एक्स, क्लियर है। x के बदले क्या लिखना है, यहाँ पाई बाई टू को लेना है माइनस इस एक्स को लिखना है, फिर ये हो जाएगा आई बराबर पाई बाई टू जीरो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, इसको आपको मान लेना है समीकरण दो। तो यहाँ से ये कैसे आया, तो इसको आप याद रखेंगे इसका प्रगुण होता है, चूंकि ये होता है समाकलन होता है ए जीरो एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है फिर समाकलन ए जीरो एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये क्या है प्रगुण है और इसी से आया है। देखिए यहाँ से एक्स है, ये क्या हो गया ए माइनस एक्स हो गया क्योंकि यहाँ पर ए है, तो इस प्रकार का रहेगा तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, प्रगुण से आया। फिर उसके बाद ये तो आपको पता है चूंकि साइन 90 माइनस थीटा या पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्लियर है इतना। तो ये समीकरण एक हो गया, समीकरण दो, अब दोनों को आपस में जोड़ना है, समीकरण एक प्लस समीकरण दो, स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। तो यहाँ से देखिए समीकरण एक में क्या है, यहाँ भी आई है और समीकरण दो में भी आई है, तो क्या हो जाएगा आई प्लस आई इक्वल, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये पाई बाई टू जीरो लॉग साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा पाई बाई टू जीरो लॉग कॉस एक्स, कहाँ से आई ये वाला, क्लियर है। इधर आई से आई जुड़ेगा, ये लॉग साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स दोनों को लिख दिए। अब आई और आई कितना हो जाएगा टू आई बराबर, यहाँ से देखिए ये पाई बाई टू जीरो आपको लिखना है लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, ये फार्मूला है लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम एन, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर हुआ। ये कहाँ से आया, दोनों को जब ये फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम इंटू एन, क्लियर है। जब दो लॉग है और प्लस के रूप में है तो वो गुणा के रूप में हो जाता है, तो इसी हिसाब से लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी हो गया बराबर ये पाई बाई टू जीरो, लॉग को अलग करना है आपको, यहाँ पर जबरदस्ती दो बटे दो लिख देना, आप क्यों लिख रहा हूँ बताऊँगा, इसे फार्मूला बनेगा। तो आगे में क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ध्यान से देखिए साइन एक्स कॉस एक्स है इसमें, यहाँ पर दो बटे दो अपने मन से लिख देना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फार्मूला बनेगा टू साइन एक्स कॉस एक्स का, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स डी एक्स लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से ये फार्मूला बन गया, यहाँ से ये हो जाएगा पाई बाई टू जीरो लॉग, ये टू साइन एक्स कॉस एक्स पर फार्मूला होता है साइन टू एक्स होता है, अब बटम पहले से क्या है दो, आपको फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, टू साइन एक्स कॉस एक्स बराबर फार्मूला होता है साइन टू एक्स, क्लियर हुआ। तो इतना की जगह क्या आ गया साइन टू एक्स और बटा दो, अब फिर से फार्मूला लगेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा पाई बाई टू जीरो, अब इसको लिख सकते हैं लॉग साइन टू एक्स माइनस, फिर से इसको लिख सकते हैं पाई बाई टू जीरो लॉग टू डी एक्स। अब ये कैसे हुआ, तो ये फिर से फार्मूला लग गया इसमें, चूंकि लॉग एम बटे एन बराबर होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, पूरे फार्मूला का काम है। तो ये लॉग देखिए लॉग एम बटे एन के रूप में है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, क्लियर है। तो लॉग एम
साइन 2x, ये log n, n का मान 2, तो log 2 फार्मूला सी आ गया। अब यहां से देखिए दोनों को अलग अलग हल करना पड़ेगा। यहां से इसको अभी छोड़ दीजिए, ये वाला ये पाई बाई टू, ये जीरो, ये log साइन 2x dx माइनस, यहां पर देखिए log 2 को अलग कर देना, पाई बाई टू जीरो, यहाँ पर क्या बचेगा dx। log 2 को अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अचर राशि है तो इसको आपको अलग कर रहे हैं, और यहाँ पर dx बचेगा, तो dx का समाकलन क्या होता है x, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस log 2, और dx का समाकलन होता है x, तो ये पाई बाई टू और ये जीरो। अब इसको हल नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ से देखिए अब x के जगह हमें एक बार पाई बाई टू लिखना है और एक बार जीरो लिखना है, तो इस हिसाब से हो जाएगा माइनस log x के बदले आपको लिखना है पाई बाई टू, माइनस एक्स के बदले लिखना है जीरो, ये इसका नियम है। एक बार इसको लिखना है एक्स के बदले, फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर ये वाले को लिखना है एक्स के बदले, तो यहाँ कितना बच गया, ये माइनस लॉग, जीरो को नहीं लिखना, ये पाई बाई टू, और यहाँ पर टू था, ये लॉग टू पाई बाई टू। अब इसको यहीं पर छोड़ दिए जी, यही क्या है इसका उत्तर है, ये वाला आ गया ना, ये log 2 पाई बाई टू, यही क्या है इसका उत्तर है। अब इसको हम लोग हल करेंगे अलग से, पाई बाई टू जीरो को इसको मान कर हल करेंगे। मान लीजिए इसको हम i1 मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, ये i1 इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए ये i1 माने थे, उसको हल करते हैं अलग से। i1 बराबर हमने क्या माना, ये पाई बाई टू जीरो log साइन 2x, इसको अलग से हल करेंगे। अब यहाँ पर ये 2x बराबर आप t मान लेंगे, 2x बराबर क्या माने t, तो जिसको मानते हैं उसको अवकलन करते हैं, ये हो जाएगा 2 d by dx x, और ये d by dx, और ये t, तो यहाँ 2 हो गया, x का अवकलन कितना होता है 1, ये dt by dx, अभी 2 एकम 2 हो जाएगा, और dx कहाँ जाएगा ऊपर, और ये dt, तब dx बराबर होगा, ये dt 2 कहाँ आएगा इसके नीचे। इतना हो गया। अब यहां जब कोई भी चीज आप मानते हैं तो यहां पर प्रगुण भी इसका बदल जाता है, मतलब उच्च सीमा निम्न सीमा का मान बदल जाता है। यहां से आप देखिए जब ये 2x लिए, तो यहां पर आपको लेना है एक बार x टेन टू पाई बाई टू, कहने का मतलब x टेन टू क्या लिखना है पाई बाई टू, तब देखिए यहां पर आपको रखना है 2, x की जगह में आपको लिखना है पाई बाई टू बराबर कितना हो गया t, तो 2 से 2 कटेगा तो t बराबर कितना आ गया पाई, ये क्या है इसका बदल गया सीमा। फिर आप रखेंगे x टेंड टू क्या रखेंगे, इसको रखेंगे 0, तब ये हो जाएगा, इसी में आपको लिखना है 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 बराबर t, तो 2 सुना 0, तो t का मान कितना आ गया 0। अब इसको लिखना है, अब जैसे इसको लिख रहे थे ना पाई बाई टू और 0, अब किसको लिखना है पाई और 0 को लिखना है। कभी भी ऐसा आप मानेंगे तो ये वाला बदल जाएगा, इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट उच्च सीमा है या निम्न सीमा, ये क्या है बदल जाएगा, तो इसको रखना होता है, इसमें रखना होता है, इसमें रखना रहता है। x का मान पाई बाई टू तो एक छोटी का मान आएगा, और x का मान जीरो तो दूसरा t का मान आएगा, इसको आपको ध्यान देना है। अब फिर से आ जाएंगे, इसलिए आप लिखेंगे आई वन, यहाँ आई वन बराबर यहाँ से हो जाएगा प्रगुण। अब यहाँ पर जो लिखे थे ना पाई बाई टू, तो पाई बाई टू नहीं लिखना है, टी लिखना है, और यहाँ जीरो लिखना है, क्योंकि ये बदल गया, टी के बदले पाई और टी के बदले जीरो। और यहाँ से हो जाएगा लॉग साइन 2x को क्या माने हैं टी, तो लॉग साइन टी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लॉग साइन टी हो जाएगा, और डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे डी टी बाई टू। तो यहाँ से देखिए ये पाई लिखना है, यहाँ ये पाई, इतना समझ में आ गया होगा, ये dt by 2 कहाँ आया, ये dx के बदले क्या लिखना है dt by 2, और ये log sin t। अब यहाँ से हो जाएगा ये 2 को यहाँ लाएंगे 1/2, ये हो गया, ये पाई को अगर आप पाई by 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाता है, ये नियम आप याद रखना है, पाई को अगर आप पाई by 2 करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा हो जाता है, 0 log sin t और dt, इसका 2 ये इधर आ गया, इधर लिख दिया मैं ये वाले 2 को, ये पाई को क्या कर दिया पाई बाई टू, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है, ये पाई है, इसको अगर आप पाई बाई टू करेंगे तो सामने में 2 का गुणा हो जाएगा, और ये वाला 1/2 तो इसका है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो गया पाई बाई टू जीरो लॉग साइन टी, और ये डी टी, ये किसका मान है आई वन का मान है। तो इसको अब आप याद रखना है, ये प्रगुण से होता है, जैसे कि ये पाई बाई टू जीरो लॉग साइन टी डी टी है ना, तो ये लॉग साइन एक्स टी एक्स के बराबर है,
ये क्या है, प्रगुण पहला है, क्लियर है, ये आई के ही बराबर इसको मानते हैं, तो इसलिए आप इसको लास्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पर वापस जैसे हमारे प्रश्न में आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए आप ये टू आई को लिखते जाएंगे तो यहाँ पर टू आई आएगा, यहाँ पर ये टू आई आ जाएगा। अब यहाँ पर आई वन है तो आई वन के बदले आप आई लिख सकते हैं, इस वाली लाइन पे आपको आना है, ये आई वन के बदले आप आई लिख सकते हैं क्योंकि उसमें डी टी आया है ना। तो देखिए ध्यान से, आई वन के बदले आई कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर है आई बराबर पाई बाई टू जीरो लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो बस ये सेम है, बस यहाँ पर एक्स के बदले क्या है, टी है, लॉग साइन टी डी टी, तो सेम है, इस प्रकार रहता है, तो एफ एक्स बराबर एफ टी होता है, तो इसीलिए इसको क्या है आई, उसको हम मान सकते हैं। तो जो आई वन आया है उसको क्या मान सकते हैं, आई। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, I1 के बदले क्या लिखना है, I लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूंकि क्या था 2i बराबर क्या था, I1 माइनस पाई बाई टू लॉग टू, इतना हम लाए थे। अब ये हो गया 2i, I1 के बदले आप इसको लिख सकते हैं, I1 बराबर ये कितना आ गया, I आ गया, I के बराबर है, यहाँ पर I हो जाएगा माइनस पाई बाई टू लॉग टू, तो आई को इधर लाएंगे, ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो गया माइनस पाई बाई टू लॉग टू, दो में से एक गया, एक आई बचेगा, और ये माइनस पाई बाई टू हो गया, और ये लॉग टू क्या है, इतना ही हमको लाना था। ये क्या है, इसका आंसर है। देख लेंगे, सिंपल सा है, आपको स्टेप इसका फॉलो करना है। ये साइन था पाई बाई टू की, ये प्रगुण लगा के कॉस हो गया। समीकरण एक और दो मानना है, उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ पर फार्मूला लगा है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन हो गया, दो बटे दो अपने मन से लिखना है। फिर ये फार्मूला बन जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है, साइन टू एक्स। फिर यहाँ फार्मूला लगा लॉग एम बटा एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग साइन टू एक्स माइनस लॉग टू। फिर इसको अलग करना है और इसे अलग करना है, यहाँ से इसको हल करेंगे, log 2 अचर राशि है तो बाहर आ गया। फिर dx का समाकलन x, और जैसा ऐसा जब भी आएगा तो पाई बाई टू को एक बार रखना है और एक बार जीरो को रखना है। तो ये जो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू log 2 आया, यही इसका उत्तर है। इसको अलग से i1 मान के इसको हल करना है, और 2i इसके साथ में था इसलिए 2i को यहाँ लिख देना है, यहाँ पर छोड़ के इसको हल करना है। तो ये हो गया i1 बराबर, इस प्रकार माने तो 2x को t माने, तो जिसको मानते हैं उसको औकलन करते हैं, तो इस प्रकार औकलन करेंगे dx बराबर आएगा dt बाई टू। कभी भी टी मानेंगे तो आप याद रखना है, इसका ये लिमिट का मान चेंज हो जाएगा, तो जो 2x है इसी में x के बदले एक बार पाई बाई टू और x के बदले आप जीरो रखेंगे, तो एक बार टी का मान पाई आएगा और एक बार टी का मान जीरो। वापस इसमें आएंगे तो पाई बाई टू के जगह आपको अब पाई लिखना पड़ेगा और जीरो के जगह जीरो ही लिखना पड़ेगा। ये लॉग हो गया, ये साइन हो गया, 2x को टी माने हैं तो टी हो जाएगा, और डी एक्स के बदले आपको लिखना है डी टी बाई टू। यहाँ से कभी भी ये पाई पाई को पाई बाई टू करेंगे तो दो का गुणा होगा, एक बटा दो पहले से है, दो से दो कट गया, तो यहाँ पर बचा पाई बाई टू जीरो लॉग साइन टी डी टी। तो फिर से वापस ये आई का ही मान है, आई में आप जाके देखें तो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर डी एक्स है, तो आई का मान है, तो वापस इसको आई मान सकते हैं। फिर से प्रश्न में आएंगे, टू आई बराबर आई वन माइनस पाई बाई टू लॉग टू, इसके पहले बताया हूँ आई वन को आई माने क्योंकि यहाँ से ये आई आया ये वाला, और ये माइनस पाई बाई टू लॉग टू, ये प्लस उल्टा माइनस, ये आ गया आई माइनस पाई बाई टू लॉग टू। तो इस प्रकार आपको इसको बनाकर देखना है, फार्मूला अच्छे से याद कर ले, ये बन जाएगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।